हाय गाइस, आई एम सिमी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ, DIY होममेड नाइट क्रीम कैसे बनाएं, जो कि आपकी ड्राई स्किन है, अगर बहुत ही फ्लैकी स्किन है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड स्किन है, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसके लिए प्लीज आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिए। लेट्स स्टार्ट वीडियो गाइस। ये नाइट क्रीम हमने बनाई है, ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है ड्राई स्किन के लिए। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, डिहाइड्रेटेड स्किन है, उनकी केयर करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम अपनी स्किन की केयर नहीं करेंगे तो ड्राई स्किन में बहुत जल्दी जो है रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो हमने नाइट क्रीम बनाई हुई है, ये एंटी एजिंग और एंटी रिंकल्स है। इसमें जो है एंटी एजिंग एंटी रिंकल्स प्रॉपर्टीज हैं, जो हमारे फेस पे रिंकल्स वगैरह लाइंस वगैरह आ जाती है उनको रिड्यूस करता है। एंड हमारे फेस पे जैसे डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, पिंपल्स हो गए एंड ब्लेमिशेस वगैरह जो है उसको भी रिड्यूस करता है। तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आप इसको 1 मंथ तक बना के स्टोर कर सकते हो। नाइट में इसको यूज कीजिए, अपना फेस वॉश करने के बाद आप इसको यूज कर सकते हो। मैं एक बार हैंड पे लगा के दिखाती हूँ आपको। इसको आप फेस पे लगाने के बाद आपको 2 मिनट तक मसाज करनी है, और जहां पे ज्यादा प्रॉब्लम है जैसे अंडर आई वगैरह हो गया तो वहां पे आप इसको थोड़ा सा और ऊपर से लगा लीजिए हल्का सा, एंड वैसे ही छोड़ दीजिए। सुबह तक आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहेगी। तो आप इसको एक बार यूज करके जरूर। तो आइए गाइस, इस नाइट क्रीम को कैसे बनाना है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले गाइस हमें 4 स्पून ऑलिव ऑयल लेना है। ऑलिव ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एंड ये स्किन को हाइड्रेट करता है, एंड इसमें जो एंटी रिंकल्स एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, आपके जो रिंकल्स वगैरह को रिड्यूस करता है, एंड जो हमारी स्किन में जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेस वगैरह हैं, उनको भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट हमें 2 स्पून एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल हमारे जो भी पिंपल्स वगैरह है उनको रिड्यूस करता है एंड हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है। नेक्स्ट हमें विटामिन ई की 2 कैप्सूल्स लेने हैं। विटामिन ई हमारी जो है स्किन को सॉफ्ट बनाता है, डैमेज स्किन को जो है रिपेयर करता है विटामिन ई, एंड एंटी एजिंग एंटी रिंकल्स प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें। 1 स्पून ग्लिसरीन लेना है। ग्लिसरीन हमारी स्किन को एकदम सॉफ्ट बना देता है। 2 स्पून जो है हमें कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है एंड स्पॉट्स वगैरह को रिड्यूस करता है। इन सबको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, क्रीम फॉर्म में बना लेना है। गाइस, आप इस नाइट क्रीम को यूज करके मुझे जरूर बताना, कमेंट जरूर करना कि आपको कितना फर्क पड़ा है इससे, एंड मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।